हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल उत्ते सारयां दा स्वागत है जी। इस बुलेटिन दे विच आपां गल करन जा रहे हैं 6 जून दीआं ताज़ा तरीन ते वड्डीआं खबरां बारे। सो दोस्तों, गल करदे हां सब तो पहली वड्डी खबर दी। जिला फतेहगढ़ साहब च 4 नवें करोना पॉजिटिव केस आए सामने। शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार जिला फतेहगढ़ साहब च करोना महामारी ने मुड़ तो अपने पैर पसारने शुरू कर दिते हैं, जिसके चलदियां जिला फतेहगढ़ साहब के अधीन पैंदे अमलोह शहर में 4 नवें करोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस संबंधी जानकारी देंदिया फतेहगढ़ साहब के सिविल सर्जन डॉक्टर एन के अग्रवाल ने दसाया कि उत्तर प्रदेश तो अमलोह शहर में कपड़ा वेचण वाले 4 व्यक्तियों के बीते 2 मई सैंपल लए गए सन, जिन्हों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और उन्होंने इलाज के लिए ज्ञान सागर हस्पताल बनूड भेज दिया गया है। अगली खबर दोस्तों, सिविल सेवा की मुढ़ली प्रीख्या 4 अक्तूबर को। करोना वायरस ग्लोबल महामारी के कारण मुलतवी हुई सिविल सेवा की 2020 की मुढ़ली प्रीख्या का आयोजन 4 अक्तूबर को किया जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन UPSC ने यह ऐलान किया है। UPSC ने कहा कि पिछले साल की सिविल सेवा से मुख्य प्रीख्या के जरिए चुने गए उम्मीदवारों की इंटरव्यू 20 जुलाई तो शुरू होगी। इस साल मुढ़ली प्रीख्या 31 मई होनी सी, पर करोना वायरस के फैलन को रोकने के लिए लागू किए देश भर च लॉकडाउन के चलते यह मुलतवी कर दी सी। अगली खबर दोस्तों, पिस्तौल के जोर उत्ते कार खोहण वाले काबू, मुलजम कोलों खोही कार। देसी पिस्तौल ते 3 जिंदा कारतूस बरामद होए। पुलिस ने 2 जून समाणा रोड उत्ते आदर्श कॉलेज नेड़े लिफ्ट मंगण बहाने एक ब्रेजा कार सवार नूं 5 गोलियां मार के कार खोहण दे मामले नूं महज 2 दिन च ही हल करके मुख मुलजम ते हरियाणा के कैथल जिले के पिंड दाबा वासी गुरप्रीत सिंह गुरी नूं भी गिरफ्तार कर लिया है। SSP मनदीप सिंह सिद्धू ने दस्सिया कि इस व्यक्ति कोलों खोही कार अते देसी पिस्तौल अते 3 जिंदा कारतूस बरामद होए हन, जदों के वारदात च वरत्या पिस्तौल अजे बरामद करना बाकी है। अगली खबर दोस्तों, सेहत विभाग की टीम वालों पातड़ा के निजी हस्पताल उत्ते छापेमारी। एक निजी कंपनी की सूचना उत्ते चंडीगढ़ तो आई सेहत विभाग की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन राही पातड़ा च पटियाला हस्पताल से छापामारी करके गर्भपात करने लिए वरते जाते समान तो इलावा नशीलियां गोलियां बरामद किए जाने का दावा किया है। लिंग निर्धारित टैसट करवाने लिए फर्जी गाहक बना के भेजी गई औरत राही की गई इस छापेमारी मगरों हस्पताल मालक ते इसकी पत्नी तो इलावा एक दलाल समेत 5 खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दूजे पासे हस्पताल के मालक ने सेहत विभाग को जानकारी देने वाली कंपनी से उसनू झूठा फसाए जाण अते लगे हुए कैमरे तोड़े जाण अते कुटमार करन दे दोष सूचना देने वाली कंपनी ते लाए हन। अगली खबर दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर इकाई हरीके कलां ब्लाक बरीवाला जिला श्री मुक्तसर साहब ने झोने की लवाई नूं लैके आ रही किसानां नूं समस्या बारे अज हरीके कलां विखे गुरद्वारा मंजी साहब विखे किसानां नाल इकट्ठ किया। लेबर नूं लैके आ रही मुश्किलां बारे विचार चर्चा की, जो कि लेबर 4500 तो 5000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब नाल किसानां तों झोने की लवाई मंग रही है, जो कि सरकार वालों इसकी कीमत 2700 रुपए रखी गई है। तो पंजाब सरकार वालों झोने की लवाई 1 जून तो शुरू की गई है, पर लेबर की घाट होने करके किसानों आ रही मुश्किलों बारे मता पास किया गया है कि 2700 रुपए ही लेबर नूं देना बनता है। इस तो बाद किसान लेबर नूं के पैसे नहीं दे सकते, किसान नूं होर भी बहुत सारे खर्चे पैंदे ने। बरीवाल ब्लाक प्रधान खुशवंत सिंह ने दस्सिया कि करोना वायरस महामारी के कारण लेबर की बहुत वड्डी कमी आ रही है। अगली खबर दोस्तों, संकट वेले केंद्र ने साडी बाह नहीं फड़ी, कैप्टन अमरिंदर सिंह। लॉकडाउन के लंबा समा चलण अते कोविड विरुद्ध लड़ाई लड़न विच भारत सरकार वालों छोटे सूबियां दी बाह ना फड़न उत्ते अफसोस जाहर करदे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आख्या कि यह केंद्र सरकार की ड्यूटी बनती है कि इस कौमी लड़ाई विच अर्थचारी की मंदहाली नाल जूझ रहे सूबियां की मदद लई अगे आवे। वीडियो कॉन्फ्रेंस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भावें पंजाब कोविड की स्थिति नूं संभालण विच सिखर उत्ते है, मेडिकल के पक्ष तो समस्या नूं काफ़ी हद तक काबू कर लिया है, पर आर्थिक सुरजीती लई केंद्र सरकार पासों मदद की लोड़ होगी। अगली खबर दोस्तों, किसान हितों लई अकाली दल वड्डी तो वड्डी कुरबानी देने लई तैयार, सुखबीर। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया कि उन्हां दी पार्टी फसलों के घट्टो घट समर्थन मुल अते यकीनी खरीद के मसले समेत किसान हितों उत्ते कदी भी कोई समझौता नहीं कर सकती। पार्टी ने इन्हां हितों की राखी लई वड्डी तो वड्डी कुरबानी देने लई कमर कसी हुई है।
उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल के यतना सदका किसानी वस्तां की खरीदो फरोख्त संबंधी नवे एक्ट विच भी फसलों लिए घट्टो घट समर्थन मुल ते खरीद नूं यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के कहण ते ही प्रधानमंत्री ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री राही किसानों नूं जनतक तौर पर स्पष्ट किया गया कि घट्टो घट समर्थन मुल ते फसलों की यकीनी खरीदारी का मौजूदा प्रबंध जारी रहेगा और इस विच कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगली खबर दोस्तों लुधियाना तो जिथे शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार करोना के 9 होर नवे केस आए सामने। लुधियाना च करोना वायरस के 9 होर मामलों की पुष्टि हुई है। इस संबंधी जानकारी देंदिया सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश बग्गा वालों जानकारी दी गई। उन्होंने दसा कि इन्होंने रिपोर्टा तो बिना 9 जने की रिपोर्ट नैगेटिव आई है जदों कि 2 सैंपल दोबारा जांच लई भेजे गए सन। अगली खबर दोस्तों कपूरथला तो जिथे कपूरथला च 2 होर औरतों की रिपोर्ट करोना पॉजिटिव आई। जिला कपूरथला च 2 औरतों की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो कि कपूरथला के शेखुपुरा ते बेगोवाल इलाके नाल संबंधित दसियां जा रही हैं। इन्हां दोवां दे करोना पीड़ित आउण नाल कपूरथला च करोना मरीजों की गिणती 40 तों वध के 42 हो गई है। अगली खबर दोस्तों मानसून नेड़े घग्गर दे कमजोर बन्नां नूं मजबूत करन लई सरकार ने कोई फंड जारी नहीं किया। भगवंत मान घग्गर दरिया च हर साल बरसातों के मौसम समय हड़ आउंदे हन। इस बार भी घग्गर दरिया च संभावी हड़ आउण दा खतरा बनिया होया है। मानसून पौणा केरल टप गईआं हन पर प्रशासन ने घग्गर दरिया के संभावी हड़ के बचा लई हुण तक घग्गर दरिया की साफ सफाई ते कमजोर बन्नां नूं मजबूत करन दा कोई भी काम शुरू नहीं किया जो कि सूबा सरकार की सरासर अणगहली ते नलायकी है। यह विचार मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान ने मकोरड़ साहिब मूणक आदि विखे घग्गर दरिया का दौरा करने समय पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं प्रगटाए। अगली खबर दोस्तों किसानां ने लाया रोस धरना ते कीती नारेबाजी। कीर्ति किसान यूनियन ते भारती किसान यूनियन दे सद्दे उत्ते किसानां ने SDM दफ्तर दे मूहरे कीर्ति किसान यूनियन दे प्रैस सकत्तर जतेंद्र सिंह छीना दी अगवाई विच अपनियां भख दीआं हक्की मंगां ना मन्ने जाण दे रोस वजों केंद्र ते पंजाब सरकार खिलाफ़ धरना लाउंदिआं जबरदस्त नारेबाजी कीती। इस मौके होरना तो इलावा जतेंद्र सिंह छीना ने संबोधन करदिआं कहा कि झोने दे रेट च मोदी सरकार ने 53 रुपए का ऐलान करके किसानां नाल कोझा मजाक कीता है पर खेतीबाड़ी विभाग की रिपोर्ट अनुसार झोने का रेट 3000 रुपए होना चाहिए है। उन्होंने कहा कि लोक मारू बिजली एक्ट सोध बिल 2020 रद्द करने तो इलावा ट्यूबवैल के बिल उगराने की तजवीज़ को भी रद्द करना चाहिए है। उन्होंने अगे मंग करदिआं कहा कि लॉकडाउन दौरान लोगों से दर्ज किए केस रद्द किए जाण ते झोना लाने लई पंजाब ते केंद्र सरकार नूं यूपी ते बिहार तो प्रवासी मजदूरों लिए विशेष गड्डियां चलाउण दा प्रबंध करना चाहिए है। इस मौके उन्होंने मंग की कि किसानों 22 रुपए प्रति लीटर डीजल दिता जाए। प्राइवेट स्कूलों द्वारा नजायज़ तौर पर वसूलियां जा रही फीसा ते तुरंत रोक लाई जाए। जो किसान 10 एकड़ तक के मालक हैं उन्होंने किसानों के समुचे कर्जे माफ़ किए जाण ते पंजाब सरकार की 2 लाख रुपए की कर्जा माफ़ी दियां सारियां शर्तां पूरियां करदे वांझे रह गए किसानों नूं भी 2 लाख रुपए की कर्जा माफ़ी दित्ती जाए। अगली खबर दोस्तों झोने की लगवाई लई मजदूरों नूं लैण लई यूपी बिहार लई गईआं बरनाला तो 105 बसा। देश लॉकडाउन के चलद पंजाब तो लखां मजदूर अपने बाहरी राज्यों घर चले गए सन पर अजकल पंजाब झोने की लगवाई के लिए बाहरी राज्यों वाले मजदूरों की कमी तो किसानों काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पै रहा है। हुण जिला बरनाला के तपा धनौला महल कलां शहणा भदौड़ ठिकरी वाला संघेड़ा फरवाही कैरे सुखपुरा हंडियाया आदि किसानों ने शहर के करीब 14 ट्रांसपोर्टर दियां 105 बसों को जिला प्रशासन ने मंजूरी लैण तो बाद यूपी बिहार हरियाणा आंध्र प्रदेश आदि राज्यों च मजदूरों नूं लैण लई भेजा है। अगली खबर दोस्तों लॉकडाउन समय की स्कूल फीस वसूलन बारे हाई कोर्ट के फैसले खिलाफ अपील करांगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को ऐलान किया कि हाई कोर्ट वालों प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन समय लिए विद्यार्थियों तो फीस वसूलन की आग्या देने के फैसले खिलाफ पंजाब सरकार अपील करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मेडिकल माहिरों की हरी झंडी मिलने तक स्कूलों को खोलिया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा सब तो महत्वपूर्ण है। पटियाला विखे कुछ मापिया वालों स्कूल खोलने लिए किए रोस प्रदर्शन उत्ते टिप्पणी पूछे जाण उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि बच्चों की सेहत नाल किसी किस्म का समझौता नहीं करनगे। अगली खबर दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी नूं इम्तिहानां उत्ते पुनर विचार करन दी मंग।
पिछले दिनों विच दो विद्यार्थी जथेबंदियों ने इम्तिहानों बारे विद्यार्थियों की राय जानने की कोशिश की। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन पूसू ने विद्यार्थियों की राय आने तो बाद यूनिवर्सिटी के उप कुलपति राज कुमार नू फैसले उपर पुनर विचार करने लिए चिट्ठी लिखी है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने जो निर्देश कॉलेजों के प्रिंसीपलों और विभागों के मुखियों नू जारी किए सन उन्होंने मुताबक विद्यार्थियों विचकार सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने और पढ़ाई का नुकसान होने कारण दो घंटे का इम्तिहान लैण वर्गियां सुविधावां दा जिक्र है। सो दोस्तों ये सन हुण तक दीआं ताज़ा तरीन ते वड्डीआं खबरां। होर खबरां लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो जी ते वीडियो नूं अपने दोस्तों मित्रां ते परिवार नाल जरूर शेयर करो जी। धन्नवाद दोस्तों।